राजपूत विरोध या सेंसर बोर्ड ही नहीं रिलीज टलने के पीछे ये रही चार वजह। पद्मावती को लेकर चल रहे बवाल के मद्देनजर मेकर्स ने इसी रिलीज टालने का फैसला किया है। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी। निर्माता कंपनी वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स की तरफ से जारी स्टेटमेंट में इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि नई रिलीज डेट के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। रविवार को कंपनी के प्रवक्ता की ओर से जारी स्टेटमेंट में बोला गया है, आज के सबसे प्रतिभाशाली फिल्म मेकर्स में शामिल संजय लीला भंसाली ने राजपूत मान सम्मान व परंपराओं पर बेहद खूबसूरत सिनेमा तैयार किया है। फिल्म की कहानी जिस अंदाज में दिखाई गई है उस पर हर इंडियन को गर्व होगा व इंडियन कथे का दम दुनिया भर में दिखेगा। हम जिम्मेदार कानून को मानने वाले व्यावसायिक नागरिक हैं व CBFC समेत सभी संबंधित संस्थाओं कानून के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। हम निर्धारित और तरीकों को मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें यकीन है कि हम जल्द फिल्म रिलीज करने के लिए जरूरी अनुमतियां हासिल कर लेंगे। जल्द ही फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान किया जाएगा। बताते चलें कि 2 दिन पहले पद्मावती की रिलीज डेट टाली जाने की खबर आई थी, जिसके मुताबिक फिल्म अगले वर्ष 12 जनवरी को सिनेमा घरों में आएगी। हालांकि वायाकॉम 18 के CEO अजीत अंधारे ने उस वक्त ट्वीट करके फिल्म की रिलीज बदले जाने की खबर को गलत बताया था। बहरहाल पद्मावती की रिलीज को स्थगित करने के पीछे कोई एक कारण नहीं था, एक ऐसी वजह भी है जिस पर अभी तक किसी ने गौर नहीं किया। सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं, पद्मावती की रिलीज टलने के पीछे संभावित कारण राजस्थान का राजपूत संगठन करणी सेना इलान के वक्त से ही पद्मावती का विरोध कर रहा है। जयपुर में फिल्म की शूटिंग के दौरान सेना के सदस्यों ने जयगढ़ किले में फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ की थी व भंसाली के साथ हाथापाई की। सेना का कहना है कि फिल्म में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी व चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के बीच एक ड्रीम सीक्वेंस में प्रेम प्रसंग दिखाया जा रहा है जो राजपूताना शान व इतिहास के खिलाफ है। हालांकि संजय लीला भंसाली प्रारंभ से इस तरह के किसी दृश्य से इनकार करते रहे हैं व कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो जारी करके इस बात की पुष्टि की थी कि फिल्म में पद्मावती व खिलजी के बीच प्रेमालाप जैसा कोई सीन नहीं है। देश के कई हिस्सों में लोकल निकाय चुनावों व गुजरात में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजपूतों के इस विरोध को सियासी दलों ने हड़प लिया। टकराव को तीखी बयानबाजियों से हवा दी व देश भर में एक फिल्म टकराव को आंदोलन का रूप दे दिया। जानकार मानते हैं कि गुजरात चुनाव से पहले विरोध शांत नहीं होता, लिहाजा फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज नहीं हो पाती। इंडस्ट्री में इन दशा के मद्देनजर पद्मावती की रिलीज डेट टाले जाने की सुगबुगाहट होने लगी थी। हालांकि पुष्टि नहीं हो सकी थी। पद्मावती को लेकर चल रही गलतफहमियों को दूर करने के लिए मेकर्स ने कुछ चुनिंदा मीडिया कर्मियों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग रखी थी, जिसके बाद कुछ चैनलों पर फिल्म के समर्थन में प्रोग्राम दिखाए गए। इस प्रयास ने सेंसर बोर्ड को नाराज कर दिया। सेंसर बोर्ड के मुखिया प्रसून जोशी ने इस पर इतराज जताते हुए बोला था कि प्रमाण लेटर के बिना कैसे फिल्म दिखा दी गई व उसकी समीक्षा की जाने लगी है। प्रसून ने बोला था कि एक तरफ फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए सेंसर बोर्ड पर दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बनी बनाई प्रक्रिया को नष्ट किया जा रहा है। वायाकॉम 18 के प्रवक्ता द्वारा जारी किए गए बयान की भाषा देखकर ये कयास लगाया जा रहा है कि रिलीज पोस्टपोन करने के पीछे सेंसर बोर्ड की फटकार भी एक वजह तो नहीं है। ऊपर दिए गए तीनों कारण तो सबको नजर आ रहे हैं, मगर जो वजह किसी को नहीं दिखी वो बेहद खास है। दरअसल सूत्र बताते हैं कि पद्मावती अभी बनकर तैयार नहीं है, फाइनल आउटपुट में अब भी कई परिवर्तन होने बाकी हैं। सूत्रों का दावा तो ये भी है कि संजय लीला भंसाली ने जो फिल्म प्राइवेट स्क्रीनिंग में दिखाई है वे है अंतिम नहीं है। किसी तकनीकी खराबी की वजह से VFX का काफी कार्य डिलीट हो गया था, इस वजह से भी फिल्म को फाइनल एडिट तक पहुंचाने में कठिनाई हुई है। इसीलिए पद्मावती 1 दिसंबर की रिलीज डेट को मिस कर सकती थी, लिहाजा मेकर्स ने सभी बातों के मद्देनजर इसे अगले वर्ष ले जाने का फैसला किया है।